तो एक बार फटाफट से देखते चलिएगा मेरे साथ में, अगले दो मिनट में सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। आपसे कहा था एक घंटे में जो बजट है वो दोस्तों आपको याद होने वाला है। एक्चुअली में दोस्तों बजट का मतलब क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद कौन सा 112 का है, आर्टिकल नंबर 112। निर्मला सीतारमन ने चौथी बार दोस्तों बजट पेश किया और दोस्तों जो आपका पहला डिजिटल दोस्तों बजट है, पहला पेपरलेस जो बजट है वो दोस्तों 2021-22 में पेश किया गया। इस बार बजट की खास बात है और वो है दोस्तों अमृतकाल का है। अमृतकाल जो है इस बार बजट की खास बात है और इस अमृतकाल का संबंध दोस्तों अगले 25 साल बाद जो आपके भारत 100 है उससे दोस्तों संबंधित है। और इस अमृतकाल के लिए दोस्तों चार प्राथमिकताएं तय की गई। इसमें पहली प्राथमिकता पीएम गति शक्ति है, दूसरी दोस्तों समेकित विकास मतलब सबका साथ सबका विकास, तीसरी में ऊर्जा संक्रमण जलवायु परिवर्तन, ये दोस्तों तीसरी प्राथमिकता, और चौथी प्राथमिकता है निवेश के लिए वित्तीय मदद। अगर बात करें पीएम गति शक्ति की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो पीएम गति शक्ति है वो दोस्तों 7 इंजनों पर डिपेंड है और इसका संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। और ये जो 7 इंजन है इसमें रेल है, रोडवे है दोस्तों, एयरपोर्ट है, आपके जल मार्ग है, लॉजिस्टिक है, ऐसे 7 दोस्तों इंजन है। रेलवे की बात करो 25,000 किलोमीटर दोस्तों नेशनल हाईवे का विस्तार होगा। अगर रेलवे की बात करो 400 दोस्तों वंदे भारत जो ट्रेन है इन्हें दोस्तों विकास किया जाएगा, इनका स्थापना की जाएगी। इसके बाद रेलवे में दोस्तों कवच योजना के तहत 2,000 किलोमीटर दोस्तों ट्रेन जो है आपस में एक पटरी पर एक दूसरे से भिड़े नहीं इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजकोषीय जो घाटा है, तो राजकोषीय घाटा है वो कितने परसेंट दोस्तों रहने वाला है 2022-23 में, ध्यान रखिएगा वो 6.4% और दोस्तों 2021-22 में 6.9% रहने वाला है। अगर बात करें आर्थिक वृद्धि दर दोस्तों 9.27% रहेगी आर्थिक वृद्धि दर, और जितनी भी दोस्तों बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें सबसे अधिक जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भारत की दोस्तों रहने वाली है। अगर आपसे पूछे अगला पॉइंट दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 4 दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद देखिएगा सबसे अधिक पैसा कहां से आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा उधार और देयता से सबसे अधिक पैसा 35% दोस्तों आने वाला है, दूसरे पर जीएसटी है 16% और दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स जो है इनसे 15% आने वाला है। फिर अगर पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां जाएगा तो दोस्तों उस उधार की ब्याज की अदायगी में सबसे अधिक पैसा जाने वाला है जो 20% है, दूसरे पर दोस्तों शुल्क और करों में जो राज्य का हिस्सा है 17% दोस्तों वो रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम, अगर दोस्तों पूछे कितने सेक्टर के अंदर, 14 सेक्टर के अंदर दोस्तों योजना लागू है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है इसके साथ में रोजगार बढ़ेगा ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, 14 सेक्टर के अंदर ये लागू है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका संबंध ध्यान रखिए पर्वतमाला योजना से, और दोस्तों 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों इसके द्वारा स्थापित होंगे। कैन बेतवा लिंक परियोजना अमृत क्रांति की दोस्तों अमृत क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 44,605 करोड़ रुपए इस दोस्तों योजना के लिए है। और अगर आपसे पूछे कितनी दोस्तों सिंचाई, 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इसके द्वारा की जाएगी। अगर बात करें बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष वो दोस्तों 2023 है। अगला क्वेश्चन पीएम ई विद्या योजना, तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों इस योजना का मतलब है 100 टॉप यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की, वो किस दोस्तों किस ऐप के अंदर है पीएम ई विद्या योजना, और इसी योजना के तहत एक कक्षा एक चैनल दोस्तों ऐसे 12 चैनलों के स्थान पर अब दोस्तों 200 चैनल जो है होने वाले। इसके बाद देखिए पीएम डिवाइन योजना, ये भी दोस्तों मैंने आपसे कहा इसका संबंध किससे है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से इसका दोस्तों संबंध है पीएम डिवाइन योजना। इसके बाद में जीवंत ग्राम कार्यक्रम, कहने की बात दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इसका संबंध क्या है जो उत्तरी जो सीमा है इसके जो सीमावर्ती गांव है इससे दोस्तों इसका संबंध है। अगर पूछ ले 75वीं वर्षगांठ पर जो अनुसूचित बैंक है कितने जिलों में 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स है और दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और इसी के साथ में आरबीआई जो है वो डिजिटल रुपया दोस्तों ये आपके दिन लॉन्च करने वाला है। पीएम आवास योजना में ध्यान रखिएगा दोस्तों 80 लाख जो है घरों का निर्माण 2022-23 में पीएम आवास योजना में होने वाला है। अगर आपसे पूछे रैंप प्रोग्राम क्या है, तो रैंप का मतलब ध्यान रखना रेसिंग एंड एसिलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, कहने की बात यह दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इसका डेवलपमेंट जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ दोस्तों आने वाला है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये महिला और बच्चों के विकास से संबंधित है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा जो है वो दोस्तों गंगा नदी से स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों बजट है